अस्सलाम वालेकुम जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा जी, सुबह का टाइम है तकरीबन 11:30 या फिर 12, और अभी बस मैं सोकर उठी हूँ। शेख जी घर पर नहीं है, शेख जी गए मैं अपने दोस्तों के साथ लाहौर, शाम तक आ जाएंगे। और अभी जो है ना, वो मैं अपने लिए नाश्ता बना के लाई हूँ। नाश्ते में मैंने बनाई है अपने लिए एक ग्लास मैंगो मिल्क शेक, और ये इसलिए इतनी येलो कलर की है क्योंकि मैं दशहरी और अनवरटोल जो छोटे मैंगो होते हैं ना, छोटे छोटे से, उनकी भी मिल्क शेक बना लेती हूँ। मुझे बहुत पसंद है, इनफैक्ट चुनसा मैंगो से मुझे ये ज़्यादा पसंद है। बहरहाल अभी जस्ट नाश्ता करते हैं। नाश्ते में साथ में मैं लूँगी जी थोड़े से केक रस, यहाँ पर पड़े हुए ये रहे केक रस डिब्बे में। आजकल क्योंकि बारिशों के दिन है और सैलाब और बारिशों की वजह से जो है ना, सैलाब नहीं सॉरी, नमी आ जाती है हर चीज़ में ना, अल्लाह ना करे सैलाब आए तो नमी आ जाती है, ख़ासतर बिस्किट्स में, नाश्ते में और किसी भी चीज़ में, इवन के मसालों में भी ना आजकल नमी आ जाती है, तो फिर ज़रा एहतियात करनी पड़ती है। बॉक्स में डाल के पैकेट, वो जो होता है ना उसका कागज़ होता है जिसके अंदर वो पैक करके देते हैं, उसी को फिर बॉक्स में डाल के रखा हुआ है। चलें जी, करते हैं शुरू नाश्ता। और आज का व्लॉग बड़ा इंटरेस्टिंग है, कम्प्लीट वॉच करना है। और करें जी फिर मेरे साथ नाश्ता शुरू। रात को जो बारिश हुई है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, तो समझें कि हमारे नेबर्स के सब घरों में पानी आ गया, पर्दे, कारपेट, एवरीथिंग, कुछ भी जो है ना वो नहीं बचता, क्योंकि वो हमारा और हमारे जो हमारी गलियां जो है ना वो ऊंची हो गई हैं, और घर हमारे से ना नीचे वाला पोर्शन जो है ना वो नीचे हो गया, वो तो काफ़ी ख़राबी पड़ जाती है, बहुत ज़्यादा मसला बन जाता है, इतना ज़्यादा पानी आ गया। ये देखें, नेबर्स ने भी सारे कपड़े धोए हुए हैं और हमें भी हर चीज़ धोनी पड़ी है, कारपेट भी वॉश करना पड़ा और पर्दे भी जो है ना नीचे वाले कमरों के वो वॉश करने पड़े, सब कुछ बस धर्म भरम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तो धूप निकली हुई थी सुबह से, अभी जो है वो मौसम शुक्र है कि थोड़ी सी हवा चल रही है, तो फिर फ़ायदा हो जाता है। अगर बारिश हुई है उसके बाद हवा चल रही हो फिर तो फ़ायदा है, अदरवाइज़ बहुत गर्मी लगती है। और आज है खाने में मैंने ना कीमे वाले नान बनवाए हुए हैं बाज़ार से तंदूर के, तो उसको जो है ना मैं अब क्योंकि तकरीबन 4:30 का टाइम है, तो मैं इनसे दोबारा गर्म करके खाती हूँ। ये देखें, इसको मैंने किया है गर्म, तो ये दोबारा से क्रंची गर्म और ज़बरदस्त हो गया। उसके साथ मैंने लिया थोड़ी सी मायनेस, साथ में थोड़ी सी केचप। अभी हम खाना शुरू करेंगे और चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ें तो आपको आ रही होंगी, उसे कीजिएगा अवॉइड। ये देखें जी, नान कितना मज़े का गर्म हुआ है, और ये जो है ना कीमे वाला नान, ये बाज़ार से भी लगवाते हैं, मैं जिस दिन घर बनाऊंगी ना वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, बीफ कीमे का नान मज़ेदार। अभी जस्ट जोहर की नमाज़ जो है ना वो मैंने पढ़ ली है, और जो नान है ना वो मैं ले आई हूँ गर्म करके। ये आंटी के घर से खजूरें आई थी, वो मैंने पास रखी हुई हैं, जब दिल करता है निकाल के खा लेती हूँ, और चार्जर भी बस पास ही पड़ा रहता है। अच्छा, नान बहुत ज़बरदस्त है जी, किस किस को कीमे वाला नान पसंद है वो आ जाए। नॉर्मली मैं वैसे इसके साथ जो है ना वो इमली और किस्टा की चटनी वगैरह खाती हूँ, बट अब वो थी नहीं, अवेलेबल नहीं थी, और रात की बारिश की वजह से गलियों का जो हाल है ना वो भी मैं आपको खाना खाने के बाद दिखाती हूँ कि हमारी गलियों में क्या अशर नशर हुआ। तो चलें थोड़ा सा नान खाते हैं, उसके बाद फिर मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ। अच्छा जी, अभी टाइम है तकरीबन 5:10 का, और असर की नमाज़ मैंने पढ़ ली है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ हमारी गलियों के क्या क्या हालात हैं जी। अच्छा जी, अब खुला है टेरेस का दरवाज़ा, सबसे पहले चेक कर लेना चाहिए क्योंकि बरसात है तो कीड़े मकोड़ों का कोई भरोसा नहीं। ये है जी हमारी गलियों के हालात, बुरे ही गंदे हालात। वो देख, पानी खड़ा हुआ है, और बाज़ार का तो बहुत ही बुरा हालात होगा, और शायद एक गाड़ी आपको जाती हुई नज़र आ रही है, उसके टायर डूब जाने हैं, बुरे ही हालात हैं। बस जब बारिश आती है तो फिर इसी तरह से, जब ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है, वो चक्कर है जी हमारे साथ। हमारा गुजरा वाला तो ख़ासतौर पर हमारा गुरु नानकपुरा जो है ना वो डूब जाता है, डूब नहीं डूब मर जाता है, बस क्या बंदा कह सकता है। बहरहाल चले, जो अल्लाह को मंजूर, अब क्या कहा जा सकता है। और ये एरिया इतना रेजिडेंशियल है, मतलब इतना ज़्यादा यहाँ पर लोग रहते हैं, और रात को तकरीबन 2:30-3 तक भी आपको जो है ना वो हर चीज़ यहाँ से मैसर है, क्योंकि ये अंदरून शहर है, क्लॉक टावर पास है हमारे, बिल्कुल घर के पास है ना, घंटाघर है, तो वो फिर उसकी वजह से ना काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं, बहुत सारी ट्रैफिक होती है रात के टाइम भी, बट
बारिश के दिनों में बहुत बुरा हालात हो जाते हैं, बहुत बुरे हालात हो जाते हैं, और काफ़ी सारे एरियाज के हो जाते हैं, बट हमारा तो बस क्या बताऊँ, अंदरून शहर का तो ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है। बहरहाल चलें जी, क्या कह सकते हैं, कोई बात नहीं, आपके साथ मैंने शेयर की अपनी प्रॉब्लम। आपके एरियाज में भी इसी तरह से पानी का अगर प्रॉब्लम होता है तो आप भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा। कह ही सकते हम लोग पानी के है, इस मसले का हल तो कोई नहीं है, गवर्नमेंट ही कर सकती है, हम तो कुछ नहीं। हाँ बहने बहने एक दूसरे के साथ अपना दुख शेयर कर सकती हैं, ताड़े महल्ले पानी खलोता ना, साढ़े महल्ले भी पानी खलोता, तो ये बात हम एक दूसरे के साथ, जो बहन भाई एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। और अभी है जी टाइम 8:30 का, और मैं और शेर जी निकले हैं सभा के घर की तरफ जाने के लिए, और रास्ते से हम ले रहे हैं फ्रूट्स, और फ्रूट्स जो है ना इस टाइम अवेलेबल मार्केट के सारे फ्रूट्स हम लोगों ने लेने हैं, ये आज का चैलेंज है हमारा। दाम मैंने बोला था कि सारे फ्रूट्स लेकर आना, तो अभी सबसे पहले हम लोगों ने लिए हैं ग्रेप्स और पीच, और ग्रेप्स हमें मिले हैं 400 रुपीज़ केजीज, और पीच हमें मिले हैं 280 रुपीज़ केजीज। और यहाँ से अब हम लेंगे आलू बुखारा और मैंगोज और गर्मा और नाशपाती और खुबानी और उसके साथ सेब, एप्पल, सारे फ्रूट्स अब जो है ना हम यहाँ से लेंगे। पियर और प्लम और एप्पल जो है ना वो हमें 300 रुपीज़ केजी के हिसाब से मिले हैं, और एप्रिकॉट जो है वो भी हमें 300 रुपीज़ के हिसाब से मिली है। बाज़ार से फ्रूट्स लेकर हम सीधे आए हैं सभा के घर, और सारे फ्रूट्स जो है ना मैंने वॉश कर लिए हैं, और बच्चे बहुत खुश हुए, बड़े एक्साइटेड हुए कि सारे फ्रूट्स मिक्स हैं और मज़ा आएगा खाकर। और अभी मैं कट करती हूँ, तो सबसे पहले मैंने मैंगो से स्टार्ट लिया है, और मैंगो जो हम लेकर आए हैं वो अनवाटोल मैंगो हैं, और बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार, बड़े ही ज़बरदस्त। अच्छा, आपने भी मुझे ज़रूर बताना है कि आपको इनमें से सबसे ज़्यादा फेवरेट फ्रूट कौन सा लगता है, आपका सबसे फेवरेट फ्रूट कौन सा है। और यहाँ मैंने मैंगो के पील्स ऑफ कर लिए हैं, और अब इसे मैं स्लाइसेस में कट करती हूँ। मैंगो के बाद मैंने कट की है खुबानी, और वो इतनी मज़े की, बहुत ही नरम और बहुत ही मीठी, बड़ी ज़बरदस्त, और ना बच्चों ने भी बड़े ना शौक से खा ली, उन्हें भी अच्छी लगी। जब तक मैं सारे फ्रूट्स कट कर लूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दामे कह रही थी कि खाला आलू बुखारा भी कट करें, और अभी जो है ना वो मैंने नाशपाती कट करने लगी हूँ, और मुझे याद आ गया कि बचपन में हम इस पर चाट मसाला डालकर खाते थे, और लीमू निचोड़ के ना, लीमू का रस निकाल के उसको निचोड़ के, और उसके साथ जो है ना चाट मसाला डाल के, अभी भी सोच के मुँह में पानी आ रहा है, इतनी मज़े की लगती थी, बहुत मज़ा आया करता था। अभी बस बच्चों में इतना शौक नहीं रहा, मतलब फ्रूट्स का ना, बड़ी मुश्किल से एक दो फ्रूट्स सारे बच्चे खुश होकर खाते हैं। अब मैं पीच कट कर रही हूँ आड़ू, और ये भी इतना ज़बरदस्त, इतना मीठा और इतना फ्लेवर था इसका भी, इतनी फ्रेश फ्रेश सारे फ्रूट्स हमें इतने फ्रेश फ्रेश मिल गए, और सबसे ज़्यादा खुशी की बात तो ये कि एक जगह से मिल गए, वरना तो फिर मुश्किल हो जाती है। एप्पल को मैंने पील ऑफ कर लिया, और जो है ना पील ऑफ करके मैंने काट के रख लिया, और बनाना का भी पील ऑफ जाहिर है वो तो हो गई, और ना बनाना इन दिनों जो है ना काफ़ी महंगा हुआ हुआ था पिछले दिनों, लेकिन अब जो है ना वो कुछ रीजनेबल प्राइस पर आया, ये हमें मिला है तकरीबन 200 रुपीज़ उसके हिसाब से, डज़न के हिसाब से। और ग्रेप्स जो है ना ये देखेंगे, मैंने ऐसे ही रखते थे एज इट इज़, मैंने कहा इनको अलग अलग करने बैठूँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा।
और मैं अपनी सिस्टर से बात कर रही थी कि देखो गर्मी का मौसम जब आता है तो इसमें कितने सारे फल, अल्लाह ताला इतने सारे फल खाने को भी देता है। देखो कितने प्यारे प्यारे सारे मज़े के फल हैं ना, रिफ्रेशिंग से, और काफ़ी ऐसे फल हैं जो पिछले दिनों गुजर गए हैं। फालसा हो गया, तरबूज हो गया, जामुन हो गया, फिर शहतूत आया हुआ था बहुत ज़्यादा बाजार में, जामुन आया, हाँ जामुन मैंने बता दिया वो भी आया हुआ था। तो बड़े मज़े के लगते हैं ये सारे फ्रूट्स और बड़े हेल्दी होते हैं, खाने भी चाहिए, मतलब फ्रूट्स को ना प्रेफर देनी चाहिए बच्चों को, बड़ों को। तो अभी सारी प्लेट मैंने रेडी कर ली है और सबके आगे मैंने की, मैंने पूछा बच्चों से कि जिसको जो सा फ्रूट पसंद है वो सबसे पहले वही फ्रूट खाए और उसको इंजॉय करे और फिर मुझे बताए कि उसे कैसा लगा। तो इसी तरह से सारे बच्चों ने अपनी अपनी मर्ज़ी के फ्रूट्स उठाए हैं, अपनी अपनी मर्ज़ी से स्लाइस उठा के खाए हैं। शेख जी ने गर्मे से स्टार्ट किया और मैंने मैंगो से। अच्छा जी, आपने मुझे बताना है आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपको कौन सा फ्रूट पसंद है ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। और अगर ओल्ड सब्सक्राइबर हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। चलें जी, शेख जी से भी स्टार्ट करते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले जो है ना वो गर्मा खाया, उसके बाद उन्होंने खुबानी खाई। अच्छा जी चलें, आपने मुझे बताना आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला जल्द मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।